देखिए, एक शब्द है, मेडिकल टर्म है, ब्रोंको निमोनिया। तो इस स्टूडियो में ब्रोंको निमोनिया किसको बोलते हैं जानेंगे, एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में इस शब्द को यूज करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझिए इस शब्द को। ब्रोंको निमोनिया जो है एक मेडिकल टर्म है और एक निमोनिया का ही एक प्रकार है, एक किस्म है। यह बीमारी आमतौर पर 2 साल से कम उम्र के बच्चों को हो सकती है। यह बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन की वजह से यह बीमारी होती है। वृद्ध या वयस्कों में भी इस बीमारी को देखा जा सकता है। कभी कभी वृद्ध और वयस्क में भी ये बीमारी मिली है। मतलब होता है इंग्लिश में ब्रोंको निमोनिया का कि ब्रोंको निमोनिया इज अ टाइप ऑफ निमोनिया, अ कंडीशन दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स, और इट सिम्टम्स में इंक्लूड कफिंग, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज एंड फीवर। डॉक्टर नेम्स इट निमोनाइटिस और निमोनिया एंड ईटीसी। एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में समझते हैं, जैसे बोलेंगे आम बोलचाल में, तो इस तरह से इस शब्द को प्रयोग करेंगे हम लोग आम बोलचाल में कि ब्रोंको निमोनिया कैन कॉज चेस्ट पेन एंड फीवर। मतलब ब्रोंको निमोनिया की वजह से सीने में दर्द और बुखार हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल है कि ब्रोंको निमोनिया इज ए कॉमन रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन। इट कैन बी कॉज बाय बैक्टीरिया और वायरसेस। इट कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू वैक्सीनेशन। मतलब ब्रोंको निमोनिया एक सामान्य श्वसन संक्रमण है। बैक्टीरिया या वायरस इसका कारण हो सकता है। टीकाकरण के माध्यम से इसे रोका जा सकता है, ब्रोंको निमोनिया को। ठीक है, तो उम्मीद है आपने ब्रोंको निमोनिया को हिंदी इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेयर डेस्क।